अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द पाय शो की पहली एपिसोड है और इस एपिसोड में माशाल्लाह मेरे साथ 10-11 स्टूडेंट बैठे हैं। और ये जो शो है हमारा, इसकी पहली एपिसोड हमारी कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस से रिलेटेड डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनके सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा राउंड है ना बच्चों, वो एलिमिनेशन राउंड है। इसमें होगा ये कि मैं सब स्टूडेंट से एक एक सवाल पूछूंगा, टाइमर मेरे पास मौजूद है, उस सवाल का आप लोगों ने 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है। अगर 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दे पाओगे तो आप लोग रिमूव हो जाओगे, क्योंकि वो तो मिनिमम सवाल होगा। उसके बगैर अगर वो नहीं आएगा आपको तो फिर आप कुछ सीन चलेगा नहीं। तो चार टॉपिक है, जिस स्टूडेंट से मैं सवाल पूछूंगा वो मुझे अपने पसंद का टॉपिक बताएगा कि सर ये मुझे बेस्ट टॉपिक आता है, ताकि पहला चांस है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रिमूव ना हो यहाँ से। तो जिसको जो टॉपिक सबसे फेवरेट है, फंक्शन का, लिमिट्स का, डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का, वो बोल देगा, उससे रिलेटेड एक सवाल होगा, 5 सेकंड के अंदर उसने मुझे जवाब देना। तो सबसे पहले भाई फिरोज, माइक्रोफोन ऑन करो भाई। कौन से सेक्शन से पूछूं? फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। फंक्शन है 1/x, ठीक है। लिमिट x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 के पास, क्या आंसर है इसका? तुम तो नहीं हो। यासिर की बारी आई, यासिर आप माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। कौन सा सेक्शन भाई? डेरिवेटिव बताओगे? अच्छा, इतने बड़े हो गए। फंक्शन सुनो, उसका डेरिवेटिव तुम्हें बताना होगा, बहुत इजी फंक्शन है। ई के बारे में पता है तुम्हें? इसके बारे में सर? ई के बारे में जी सर, पता है ना उसके बारे में? फंक्शन है 4e, इसका डेरिवेटिव? 4e इसका डेरिवेटिव 6 सेकंड। नहीं भाई, अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फंक्शन भी समझ आ गया था, एक चीज समझ आ गई थी। 4e का डेरिवेटिव अभी भी बता सकते हो या नहीं? तो रिमूव करना पड़ेगा, मैं जवाब बता देता हूँ तुम्हें। 4e बच्चे एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये वजह है। हुसैन अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। अच्छा यार, कौन सा फेवरेट सेक्शन है? सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है, अभी पता चला ना डेरिवेटिव मिलने का क्या हालू है। अच्छा सर, मैं कंफ्यूज हो गया था। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x2। एक्सेलेंट, चलो भाई पास बच गए। फखर आप माइक्रोफोन ऑन करो। सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, अच्छा यार, अगर e का पता है आपको? यस सर। अगर मैं e को x से मल्टीप्लाई करूं तो वो कहलाएगा ex, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव सर e रहेगा। एक्सीलेंट यार, ये कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा, अच्छा जवाब दिया तुमने। अच्छा अब भाई आगे हमारा फेवरेट स्टूडेंट हसनैन, सही, कौन सा सेक्शन लेना भाई आपने? डेरिवेटिव क्या होगा? 2e के पावर 2x। एक्सीलेंट भाई, एक्सपेक्ट मैं ही कर रहा था तुमसे, एंटर था तुम्हारा। अच्छा फातिमा आप माइक्रोफोन ऑन करो। जी सर। कौन सा फेवरेट सेक्शन है? सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है, निकला तुम लोग डेरिवेटिव से सारे के सारे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ। sec स्क्वायर एक्स। सही, चलो दोनों अंदर ही रहो। अच्छा फिजा माइक्रोफोन ऑन करो अपना। यार ln x का डेरिवेटिव क्या है?
माइक्रोफोन ऑन करो आप अपना. ओके सर, फंक्शंस का मुझे पूछना था. फंक्शंस सर. कॉस इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन? इवन. एक्सेलेंट. अब कौन रह गया? मिसबा. ऑन करो माइक्रोफोन मिसबा आप अपना. यस सर. कौन सा सेक्शन फेवरेट है आपका? सर डेरिवेटिव. डेरिवेटिव है. अच्छा, डेरिवेटिव में आप मुझे बताओ कि माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉस एक्स. एक्सीलेंट. तो आप प्लस के अंदर ही मौजूद हो. जो क्वेश्चंस हैं इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, एक डेरिवेटिव का, एक लिमिट का और एक इंटीग्रेशन का. क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताने हैं, जिसने पहले जवाब दिया वो जीत जाएगा. यहाँ पे फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. दूसरे क्वेश्चन में जिसने पहले क्वेश्चन में पहले जवाब देगा वो मेरे पास नोट हो जाएगा बच्चा. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें पहले जवाब दिया उसने दूसरा नोट हो जाएगा. फिर यही काम तीसरे के साथ होगा. आप लोगों ने माइक्रोफोन इस्तेमाल कर लो तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी जवाब दे दोगे. चैट कर रहे, क्योंकि कहेगा सर हम लिख रहे हैं मसला हो रहा है, तो बेहतर है आप लोग माइक्रोफोन इस्तेमाल करना, बोलना जो पहले बोलेगा. और आंसर अगर उसका ठीक नहीं है तो बाकियों के पास ऑप्शन होगा कि वो भी बोले. ये नहीं कि पहले ने जवाब दे दिया बाकी थका के बैठ जाए. अगर उसने गलत जवाब दिया होगा, क्योंकि जल्दी में लोग गलत आंसर निकालते हैं, गलत जवाब दिया होगा तो दूसरे भी साथ साथ बोलेंगे. ठीक है, सही है, सब सेट है. लड़के तो सेट हो गए, लड़कियां तो पहले सेट थी. सवाल होगा इस तरीके से कि सबसे पहले लिमिट का एक सवाल है. मैं आप लोगों को सवाल दूंगा, आप लोग प्रॉपर अपनी कॉपी पे एक फंक्शन लिखोगे. तो जो मैं फंक्शन लिखवा रहा हूं उसको अपनी कॉपी पे लिख लो. सबसे पहले एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में बता रहा हूं आप लोगों को. न्यूमरेटर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2x+22. किसी को नहीं समझ आए तो पूछ लेना दोबारा, क्योंकि आंसर पे गलत निकालोगे. अभी न्यूमरेटर ही चल रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर आप लिखोगे -4. तो न्यूमरेटर बना स्क्वायर रूट 2x+22, स्क्वायर रूट खत्म, -4 ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ये न्यूमरेटर है पूरा. अब डिनोमिनेटर लिखो. डिनोमिनेटर है x+3. सबने लिख लिया फंक्शन, सबको कोई इशू तो नहीं है यहां पे? क्लियर है सबको? अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं इसकी लिमिट क्या है. जैसे ही मैं बताऊंगा टाइम स्टार्ट, जो पहले बताएगा वो जीत जाएगा. तो बच्चों इसकी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू -3. एक्सीलेंट. किसने दिया 1/4? फिरोज. चलो भाई मैं इसका बता देता हूँ. अच्छा फिरोज मेथड क्या यूज किया सबको बताओ. पहले लिमिट पुट करी और फिर वो 0.0 आ रहा था तो एल हॉपिटल रूल लगाया तो 1/4 आ गया. एक्सीलेंट. एल हॉपिटल रूल सबको मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको मैंने एल हॉपिटल ना बताया हुआ. और इसका दूसरा मेथड भी था कि आप लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी निकाल सकते. अब दूसरा सवाल है, प्रॉपर ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी. अब जो सवाल है वो डेरिवेटिव का. फंक्शन सुन लो गौर से, पूरा फंक्शन बता रहा हूं. लिख लो अपने पास 3x² + tangent inverse x + ln 1+x² -2 पे आपने आंसर निकालना है. -63/5. एक्सीलेंट यार. कौन है भाई? हुसैन है ये. हुसैन मेथड बताओ क्या लगाया है. सर सिंपल डेरिवेटिव क्या, उसके बाद -2 पुट किया. 3x² का डेरिवेटिव 6x. टेंजेंट इनवर्स का 1/1+x² और ln 1+x² का 1/1+x² * 2x. एक्सीलेंट यार.
मतलब ये चीज बता रही है कि तुमने कहीं चीटिंग नहीं की, पूरा मेथड तुमने बता दिया। दूसरा वक्त हुसैन आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल है पहली बात। डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है? जिसमें लिमिट्स आपको गिवन होती है, ठीक है। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, आपके पास एक अलग फंक्शन आएगा, ln की फॉर्म में होगा, कुछ वैल्यूज होंगी, ln वैल्यू डिवाइडेड बाय कुछ, या मे बी उसकी पावर हो। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट ये चीज मुझे बतानी है ऑडियो ऑन करके, ठीक है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ फंक्शन आने वाला है। भाई हुसैन तुमने सॉल्व नहीं करना यार, कॉपी लेके बैठ गए तुम हो गयो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी सिलेक्शन होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं फंक्शन बताने लगा हूँ, फिर मैं इंटीग्रल बताऊंगा, फिर मैं लिमिट बताऊंगा, स्टार्ट हो जाना फॉरन। तूबा, फिजा और हसनैन, क्या कर रहे हो तुम लोग? लाजमी तुम लोग में से एक आना चाहिए इसमें। फंक्शन है भाई, लिखो एक फ्रैक्शन, सबसे पहले लकीर लगाओ एक, ठीक है। यहाँ पे लिखो ln x, दोनों तरफ ब्रैकेट, पावर 4, और डिवाइडेड बाय x। ये फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना। मैं लिमिट बताने लगा हूं, जैसे लिमिट बताऊं सॉल्व करना स्टार्ट कर। लिमिट जो है ना इस इंटीग्रल की, 1 से लेके 2 है, इसको इंटीग्रेट करो, 1 और अपर लिमिट 2। सर ln 2 टू द पावर 5/5 माइनस ln 1 टू द पावर 5/5। सही आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं आया कहां से? सर पावर रूल लगाया तेरा। एक्सीलेंट। अच्छा, इसका आंसर ये भी हो सकता था कि आप पहली टर्म बताओ, क्योंकि दूसरी टर्म जीरो होती है, ln 1 जीरो होता है। लेकिन आपने आंसर ठीक बताया तो मैं इसको ठीक मान रहा हूँ। तो ये बच्चों हमारे पास तीन जो बच्चे आए हैं ना, वो है फिरोज, हुसैन और तूबा। लेकिन अब आया है ट्विस्ट कहानी में, जो बच्चे निकल गए हैं उनके पास दोबारा एक चांस है एंटर होने का। ये तीन बच्चे तो कन्फर्म है, ये दोबारा नहीं बोलेंगे। अब दो मजीद और क्वेश्चन होंगे, जिसने उन दो के जवाब दे दिए वो दोबारा एंटर हो सकते हैं। दोबारा लिमिट्स का एक मैं सवाल दे रहा हूं अपने पास, आप लोग फंक्शन लिखो जल्दी से। न्यूमरेटर है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 28। लिमिट है बच्चों इसमें y अप्रोचेस टू 7। सर 2/5 यार, फिर जाना पहले तुम्हारे पास एक और चांस है। इतना क्लोज अभी तक नहीं हुआ था, दोनों के विचारों के सही आंसर थे लेकिन बेचारा रह गया। नंबर 4 है हमारा, 5 है बल्कि, डेरिवेटिव का है, ठीक है। डेरिवेटिव मैं फंक्शन में बताने लगा हूं, गौर से सुनो, बहुत इजी फंक्शन है। विद इन मेरे ख्याल में 20 सेकंड आप लोग जवाब दे दोगे इसका, लेकिन कौन पहले देगा वो मैटर करता है। फंक्शन है ई टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स। जो भी आंसर आए उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देना। सर 1 1। एक्सीलेंट। बेचारा हसनैन फिर रह गया, मिसबा आप सेलेक्ट हो गई हो। कैसा दिया यार ट्विस्ट। फिर है, मेरे पास 6 क्वेश्चन थे टोटल, एक मैंने एहतियातन रखा था, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फेवरेटिज्म, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हसनैन एन हो, अच्छा बच्चा है ये, मजा आएगा गेम के अंदर। तो छठा सवाल लिखा हुआ मैंने, हसनैन आखिरी चांस है। और कौन बचे? हसनैन, फातिमा और आमना, ये तीन बच्चे बचे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इसके अलावा मेरे पास कोई और क्वेश्चन मौजूद नहीं है यहाँ पे। इसका जवाब जो भी दे देगा, अभी तक सिलेक्ट कौन से? फिरोज हुआ, हुसैन, तूबा, फिजा, मिसबा, ये 5 बच्चे हो चुके हैं। छठा बच्चा क्या आएगा? इंटीग्रेशन का सवाल है, फंक्शन लिखो। फंक्शन है ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाई साइन ई टू द पावर 2x, मतलब ये एंगल है। दोबारा बता रहा हूं, ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाई साइन, जिसका एंगल है ई की पावर 2x। कोई लिमिट नहीं है, सॉल्व करो जल्दी से। सर माइनस 1/2 कॉस ई की पावर 2x। एक्सीलेंट भाई, दिल आखिरकार तुम आई गए हो गेम के।
अब बच्चों होगा ये कि छह स्टूडेंट हो आप लोग, आप लोगों से मैंने दो दो क्वेश्चंस करने हैं, या चलो तीन तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन तीन क्वेश्चंस की मार्किंग होगी, मार्किंग इन द सेंस कि इसमें हाँ ना नहीं हो सकती, इसमें आपको समझाना पड़ेगा मुझे पॉइंट। दो नंबर का एक सवाल होगा, अगर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही दोगे दो नंबर, अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी हल्की होगी मैं एक नंबर दूंगा, और अगर बिल्कुल नहीं दे पाओगे तो जीरो नंबर होंगे। तीन सवाल होंगे हर बंदे से, एक सवाल थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी दो थोड़े इजी होंगे, आप लोग कर लोगे उसको, ठीक है। मैं एक बंदे से बात करूंगा, उससे क्वेश्चंस पूछूंगा, पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, उसके नंबर नोट कर लूंगा। सबसे पहला सवाल है आपके पास कि हम डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर प्लस सी ऐड क्यों नहीं करते। सर उसमें लिमिट होती है ना। हाँ तो फिर क्या होता है, हाँ क्या होता है उसके अंदर लिमिट होती है तो सर लिमिट होती है तो एक्यूरेट आता होगा आंसर। ये जवाब नहीं, लिमिट तक तुमने सही बताया, अभी तक तुम्हारा एक नंबर है, तुमने बिल्कुल गलत नहीं, तुमने लिमिट का सही बताया। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही, ओ सॉरी टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बता देता हूँ। एक नंबर मैंने तुम्हें दिया सवाल में, लिमिट की तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, जब भी आप एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास एक फंक्शन आता है, उसके साथ आप प्लस सी ऐड करते हो। अगर आपने लिमिट पुट करनी हो तो आप करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में भी आपके पास एक सी आता है, आप फिर जब माइनस लोअर लिमिट करते हो उसमें भी एक सी आता है, तो सी और माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम मुझे बताए थे ना सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, मैं तुम्हारे को पूरे नंबर दे देता, क्योंकि उसमें तुम्हें समझ आ रही थी कैंसिल हो गया उसके, ठीक है। एक नंबर मैंने फिर भी तुम्हें दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ, ये वाला हो गया। अच्छा यार सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम है, क्यों? सर अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो वो बताता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो किस हिसाब से चेंज होता है, बताया यहाँ तक। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है फिर? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वो कम हो रहा होगा। एक्सीलेंट यार, डिक्रीज हो रहा होगा, बिल्कुल सही बताया तुमने, दो नंबर है इसके अंदर तुम्हारे। एक्चुअली इसका आंसर ये होता है कि जब आपके पास एक मैक्सिमम पॉइंट होता है ना तो आपके पास एक कॉनकेव डाउनवर्ड इस टाइप की शेप बन रही होती है, तो इस शेप में जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा डिक्रीज हो रहा होता है, पहले वो थोड़ा इंक्रीज होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे आपकी लाइन इंक्रीज है, जैसे वो इस तरह जाता जाता है अब वो जीरो हो गया, मतलब पहले पॉजिटिव था जीरो हो गया, करते करते और नेगेटिव होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपको बताता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव पे नेगेटिव आएगा। तो जो मैक्सिमम पीक होती है वो जो कॉनकेव डाउनवर्ड होती है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आपका डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिए। आखिरी सवाल है यार आपसे, और आपसे हम क्या पूछे यार, डिफरेंशियल इक्वेशन 6.11 है इंटीग्रेशन में, उसमें एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप 6.11 में करते हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का मतलब थीटा की वैल्यू निकालना, इसका क्या मतलब है, क्या निकालते हो आप? नहीं पता आपको? नहीं सर। जीरो नंबर है आपके, टोटल तीन नंबर हैं तीन सवालों के अंदर, असूरी तौर पे छह नंबर आने चाहिए थे, ठीक है। अब मैं आंसर बता देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हो ना तो आप y निकालते हो, y मतलब आप फंक्शन निकालते हो, वो ऐसा फंक्शन होता है कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया होता है तो वो डेरिवेटिव आपको गिवन होता है, आप उसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल y फंक्शन जो है वो ले आ देते हो, समझ आ गया सबको? अच्छा अब दूसरा जो आया था वो हुसैन आया था, हुसैन माइक्रोफोन करो अपना। यस सर। हाँ भाई नर्वस तो नहीं हो? थोड़ा बहुत। अच्छा मुश्किल तरीन सवाल पूछूंगा तुमसे मैं। लिमिट से क्वेश्चन है फंक्शन से, यार एक चीज पढ़ी थी हमने 1:1 फंक्शन, ये क्या होता है, एग्जांपल देके जरा बताओ। पर 1:1 फंक्शन मतलब जिसकी जो
जो रेंज है वो रिपीट ना हो, लाइक फंक्शन है, लाइक फंक्शन है फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x स्क्वायर, उसमें 1 इनपुट करते हैं तो 2 आंसर आता है, फिर 2 इनपुट करते हैं तो 4 आंसर आता है, मतलब जो रेंज है वो रिपीट ना करें। ये पूरा आंसर आपका, अगर मैं बोलूं कि आपने एग्जांपल गलत दिया तो आप चेंज करना चाहोगे? यस सर। सर जैसे सर एक मिनट सर, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी सर कह सकते हैं, सही एंड पे तुमने दे दिया यार, बिल्कुल सही तुमने जवाब दिया है। 1-to-1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें अगर आप डिफरेंट x पुट कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंस आउटपुट आना चाहिए। y इक्वल टू x स्क्वायर ठीक इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि y के अंदर अगर 1 पुट करो माइनस 1 पुट करो तब भी 1 आता है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर 1-to-1 नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1-to-1 है क्योंकि आप डिफरेंट x पुट करते हो, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है ना, तो डिफरेंट x पे डिफरेंट y मिलता है आपको। मसाले वाला यार, डेरिवेटिव में एक चीज होती है, क्या होती है डेरिवेटिव में चीज होती है जिसको आप कहते हो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या होता है ये इन्फ्लेक्शन सर? जिसमें डबल डेरिवेटिव जीरो आए एंड सर पॉइंट ऑफ सर कॉनकेव डाउन आए या कॉनकेव मींस फंक्शन में कॉनकेविटी आए, तो जैसे यार एक नंबर तो तुम्हारा ठीक है, कॉनकेविटी वाला अपना आंसर ठीक बताओ सर, मतलब वो जो पॉइंट है वो ना आउटपुट हो ना इनपुट हो, सॉरी ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, उसके बाद सर पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ सर, एग्जांपल 10x का जैसे ग्राफ है ना, उसकी जो जीरो पॉइंट है जीरो सर, वहाँ पे सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सही मान लेता हूँ मैं, कॉनकेविटी तुमने सही बताई कि कॉनकेविटी चेंज करनी चाहिए, पहले टेंजेंट एक्स में अगर देखो तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, बाद में वो कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है, तो कॉनकेविटी चेंज होती है उस पॉइंट के ऊपर। और पहला तुमने बिल्कुल सही बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पे सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो होता है, दो नंबर है भाई। अब आखिरी सवाल है यार, इंटीग्रेशन की दो मेन टाइप्स क्या होती है, सबसे पहला सवाल, और दूसरा कि उन दोनों का मेन मकसद क्या होता है? सर इंटीग्रेशन की दो टाइप, एक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरी डेफिनाइट। जो इनडेफिनाइट है उसका मतलब है मतलब एन डी डेरिवेटिव, एक फंक्शन को हमने डेरिवेटिव किया जिस जो फंक्शन आया उसके बाद उसको अब एन टी डेरिवेटिव करेंगे तो उसका जो पहले फंक्शन था वो आया, और जो इंटीग्रेशन सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन है उससे हम एरिया ऑफ कर्व निकाल दें। दूसरा आंसर तुमने ठीक दिया, समझ गया, एरिया निकालते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बता पाओगे, अंडर द कर्व एरिया निकालते हैं। तुम्हारे तीनों सवाल ठीक है, आप फोन करो जी सर। हाँ सबसे पहली बात बताओ यार, सर्किल जो है ये फंक्शन है या रिलेशन है? जो भी आंसर दोगे जस्टिफाई करो उसको। सर बताओ क्या कर रहे हो उसने, मैं बता देता हूँ आप, सर्किल जो है बच्चों एक रिलेशन है वो, ठीक है। जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप रिलेशन, इसलिए कि अगर आप कोई भी सर्किल की इक्वेशन है उसमें अगर आप एक एक्सपुट करते हो तो आपके पास दो y वैल्यूज आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल सर्किल की इक्वेशन है, यूनिट सर्किल जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, उसमें अगर आप y की वैल्यू निकालो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप एक एक्स पुट करोगे आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी प्लस माइनस, दैट्स वाई फंक्शन एक रिलेशन है सॉरी सर्किल। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी बता सकते थे कि अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो वो दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो दैट्स वाई वो फंक्शन नहीं है वो एक रिलेशन है। दोनों तरीके से बताया जा सकता है सवाल, ठीक है। हुसैन माइक्रोफोन ऑन करो यार, वो वीडियो तो ऑन करो, बंद क्यों कर दिए? अच्छा हसनैन दोबारा सवाल आपसे एक और है, सवाल है जरा गौर करना उसके ऊपर।
ये मॉडुलस फंक्शन एक होता है, पता है मॉडुलस फंक्शन के बारे में? जी सर। यार इसके डोमेन और रेंज क्या होती है? रेंज तो कोई भी इसका रियल नंबर हो सकती है इसकी रेंज। मैं कहता हूँ सोच लो, बता पा रहे हो? ये है असल कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये है, ये मैं इजी सवाल पूछा था, मेरा मुश्किल सवाल था, मैं क्या पूछूं मुश्किल सवाल? अच्छा ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बता सकते हो तुम। यार एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेशनरी पॉइंट का, उस पर डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने टेक्निकल तौर पे तीनों आंसर गलत दिए हैं, तीन बच्चों को सिलेक्ट करने हैं, उसमें से अगर किसी एक बच्चे ने भी कोई एक सवाल का जवाब दे दिया उसमें बाहर हो जाएगा गेम के। चलो भाई फिजा आप माइक्रोफोन ऑन करो अपना। सबसे पहला सवाल ये है कि एक फंक्शन है 1/x, जी सर, उसमें जब आप लिमिट पुट करते हो x अप्रोचेस टू जीरो तो आंसर क्या आता है? अनडिटरमाइंड कुछ भी नहीं होता है। ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि क्यों होता है ऐसा, आपने आता नहीं सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन का पता है आपको इंटीग्रेशन में? जी सर। पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होती है? कब अप्लाई होने का मतलब, पहला गौर से सुनना, कब अप्लाई होने का जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले बताओ किस फंक्शन पे होती है और वो फंक्शन क्या होता है और आप किस तरीके से अप्लाई करते हो? नहीं आता। सही है, दूसरा भी जीरो हो गया आपका। भाई पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहली बात रैशनल फंक्शन पे, रैशनल फंक्शन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता है उस पे अप्लाई होती है। दूसरी चीज, रैशनल में कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो। तीसरी चीज, किस तरीके से लगाते हो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हो और उसके बाद फिर आप ए अपॉन जो भी केस है, केस वन केस टू जो भी है वो अप्लाई करते हो। ये सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा जी अब आखिरी सवाल है आपसे, और नहीं ये तो मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा इजी पूछ लूं क्योंकि जिन बच्चों का ये हाल है मैं इजी पूछने की कोशिश करता हूं। कि मुझे आप ये बता दो कि y square equal to x ये फंक्शन है या रिलेशन? एग्जांपल के साथ बताओ, मतलब रीजन। सर ये रिलेशन है। क्यों नहीं आता आपको? नहीं सर। एक नंबर मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आधा आपने सही बताया, तो टेक्निकल तौर पे हंसते हैं ना आप, गेम से निकल गए हो आप, वैसे सबको देख सकते हो आप क्योंकि आपने सारे जीरो दिए थे, तीन बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हो गए। तो अब बारी है किसकी, तूबा की। तूबा माइक्रोफोन ऑन करो। चैप्टर नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है और इसमें आप क्या लिमिट पुट करते हो? सर पॉजिटिव या नेगेटिव लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब होता है कि कहाँ सीक्वेंस जा रही है, मतलब कन्वर्ज कहाँ एक जगह पे हो रही है या नहीं। आपने एक जवाब तो सही दिया है, इसके अंदर लिमिट आप क्या पुट करते हो? मैं कुछ नंबर पूछना चाह रहा हूँ, क्या लिमिट पुट कर रहे होते हैं? सर आई थिंक पॉजिटिव। सही जवाब दिए। सीक्वेंस में होता ये कि सीक्वेंस आपकी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, सबसे पहली बात सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म नेचुरली होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी की सेंस ही नहीं है। आप क्या करते हो सीक्वेंस में जो x होता है ना, जिसको नॉर्मली आप n लिख रहे होते हो, वो होती है नंबर ऑफ टर्म। आप क्या करते हो, आप सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म को इनफाइनाइट तक लेके जाते हो और आप देखते हो कि उसका आंसर क्या आ रहा है, आया वो लिमिट किसी वैल्यू पे पास रुक रही है। फॉर एग्जाम्पल 1/x ये ऐसी लिमिट है जिसको अगर आप इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। क्यों? पहली लिमिट होगी 1/1, फिर होगा 1/2, 1/3, करते करते ये छोटी होती जाएगी। तो आप इसको इनफाइनाइट तक लेके जाओगे, आप जब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे 1/x लिमिट जीरो आंसर आ रहा होगा। तो हमेशा जब भी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात की जाती है आप इनफाइनाइट तक जाके देख रहे होते हो उसको। क्लियर है? एक्सीलेंट। अब मेरा सवाल ये है कि स्लोप आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री सेक्शन में देखा था कि आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल देते, वो आप यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते फॉर्मूला?
हर पॉइंट पे कर्व चेंज हो रहा होता है ना, इसलिए हम लोग नहीं यूज कर सकते. वो एवरेज दिखाएगा, वो सीकेंट की स्लोप दिखाएगा. ये जवाब है कि यार कर्व के ऊपर अगर आप जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट पिक करते हो ना और आप स्लोप निकालते हो, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो फिक्स रहता है. आप कोई भी दो पॉइंट पिक करो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लगाओ, हो जाएगा. लेकिन ये जो स्लोप होता है इसके ऊपर अगर आप कोई भी दो पॉइंट पिक करो, अनलेस वो दो पॉइंट बहुत करीब ना हो, जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बन जाता है. अगर आपने रैंडम कोई दो पॉइंट पिक किया, आपने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लगा दिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमने ही लगाया था डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा था ऑलमोस्ट जीरो के पास. अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना हो और आप लगाओगे तो फिर एवरेज मिलेगा आपको, ये इशू होता है. अच्छा, एक चीज होती है जिसको आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हो. क्या चीज होती है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म और कितनी है? सर 7 टाइप्स ऑफ है, और ये वो चीजें होती हैं जिसको हम समझ नहीं सकते, मतलब डिटरमिन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल 0.0, तो इसका आंसर बन नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, इसके मोर देन वन आंसर्स होंगे. फॉर एग्जांपल कोई और आंसर क्या होगा इसका? जैसे 0.0 का एक पॉसिबल आंसर हो सकता है 0, इफ वी कंसीडर के न्यूमरेटर में 0 होता है, और अगर हम लोग डिनोमिनेटर वाला 0 कंसीडर करें तो फिर अनडिफाइंड हो सकता है, और फिर अगर हम दोनों एक साथ कंसीडर करें तो 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. हां सही है, बिल्कुल ठीक बताया. तो आपके 6 नंबर आ गए. यार देखो, फिजा और हसनैन ये तो निकल गए गेम से. फिरोज का 3 है, हसनैन के 6, हुसैन के 6 हैं और तुबा के भी 6 हैं. तो अब आखिरी बच्ची है मिसबा. मिसबा अगर आपको गेम में आना है तो आपको 3 से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे. 4 नंबर आपने ले लिए, आप फाइनल 3 में सेलेक्ट हो जाओगी. ठीक है, माइक्रोफोन ऑन करो फिजा. वो मिसबा, ऐसा कोई पॉइंट है जो स्टेशनरी हो लेकिन वो टर्निंग ना हो? सैडल पॉइंट. हाँ सही होता है, सैडल पॉइंट भी आप बोल सकते हो, या इसका अच्छा टर्मिनोलॉजी क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी आप बोल सकते हो. क्या स्टेशनरी पॉइंट है लेकिन वो अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी हो सकता है. तो आपका दूसरा पॉइंट सैडल पॉइंट, उसी को आप बोले तो सही बताया आपने. बिल्कुल 2 नंबर आपके हो गए. मुश्किल वाला सवाल था, अब लाइफ थोड़ी आपकी ईजी है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इवन फंक्शन होते हैं, सबसे पहली बात बताओ कि ये किसके रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होते हैं? ग्राफ बनाते हैं y = x square, तो दोनों साइड से सेम मिरर इमेज बनती है, सिमेट्री. सही है, y, हाँ बिल्कुल सही बताया. y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बनती है. आपकी पहला जवाब बिल्कुल ठीक था आपका कि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y है. दूसरा जवाब भी ठीक है कि y एक्सिस की सिमेट्री का मतलब कि आपकी पूरी इमेज बन रही होती है, जो y एक्सिस के इस तरफ है सेम y एक्सिस के उस तरफ बन रही है. आखिरी राउंड है, उसमें आप प्राइज जीत जाओगे. अच्छा, हुसैन, तूबा और मिसबा. अच्छा, सबसे पहले हुसैन, आप माइक्रोफोन ऑन करो अपना. यस सर. जो मैं सवाल पूछूं मुझे जरा जवाब दे देना उसके. ठीक है, 0 का इंटीग्रल क्या होता है? एक एक वीडियो ऑन करो भाई अपना. x + c. एक सवाल हो गया. 0 का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट. यस सर. किसी अगर मैं बोलता ना कांस्टेंट का इंटीग्रल बताओ, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल जो भी आ, कांस्टेंट को साइड में करते हो और फिर आंसर x आ जाता है उसका. अगर मैं बोलता कि 1 या किसी भी कांस्टेंट का, मैंने बोला 0 का, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट. पहला सवाल आपने गलत दे दिया. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का एक और नाम भी है, क्या है? इबनिशा मेथड. सही है, ठीक है, एक बताया तुमने सही. x टू द पावर e का डेरिवेटिव क्या है? जी सर, डेरिवेटिव क्या है सर? x पावर e माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 प्लस, सॉरी बस दोबारा बताओ. x पावर e माइनस 1 डिवाइडेड बाय मतलब डिनोमिनेटर में e माइनस 1. x की पावर e का डेरिवेटिव होता है, पावर लगाओ e पहले लाओ, x टू द पावर e माइनस 1. ये सिंपल डेरिवेटिव है, कोई मसला नहीं, कंफ्यूज जाता है. तो आप मुझे बताओ कि ई नहीं,
टू द पावर पाई इंटीग्रल क्या होता है पाई एक्स टू द पावर पाई माइनस वन इंटीग्रल पूछा था मैंने ओ चलो जवाब दे दो अगर आते हैं तो मान लूंगा मैं एक्स टू द पावर पाई रहने दो यार इतना टाइम नहीं है रहने दो इस क्वेश्चन को जब मैं एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को ऐड करता हूं तो रिजल्ट में क्या आता है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को क्या करता है ऐड करता हूं क्या रिजल्ट आता है रिजल्ट में कौन सा फंक्शन आता है इवन आता है ऑड आता है क्या होता है Neither. एक आपको मिल गया अब आपसे तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल ये है कि एक सेकंड ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में होता है सिंपल e की पावर x है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एक्सीलेंट इस बार सिचुएशन आपके सामने क्लियर है अगर आपने तीन के तीन दे दिए तो आप जीत जाओगी अगर आपने दो दे दिए आपका मामला टाई हो जाएगा एक सवाल होगा जो जीत गया सही है और अगर आपने एक नंबर दिया तो आप निकल जाओगे तो वो अल्टीमेटली विनर बन जाएगी क्लियर है मिसबा आपको यस सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं वन टू वन फंक्शन एक्सीलेंट रहा हूं अगर x की पावर में लिखा हो cos pi by 2 तो इसका इंटीग्रल क्या होगा सर x कैसे निकाला है सर cos pi by 2 90 होता है cos 90 0 x की पावर 0 तो 1 होगा 1 का इंटीग्रल x एक्सीलेंट बिल्कुल सही बताया तो आपका स्कोर हो गया 2 अब है तीसरा सवाल का जवाब दे दिया तो आप जीत जाओगे क्लियर है यस सर आप मुझे बता सकती हो इनवर्स फंक्शन क्या होगा वाई इक्वल टू एक्स का अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स का इनवर्स निकालूंगा तो क्या आएगा वाई इक्वल टू एक्स का अगर मैं इनवर्स निकालूंगा तो क्या आएगा आएगा ये फाइनल आंसर है आपका इतना टाइम है भी नहीं सिंपल जवाब है 1 2 3 4 5 खत्म y इक्वल टू x का इनवर्स y इक्वल टू x होता है सिंपल जवाब है इनवर्स का मैंने तरीका क्या बताया था इनवर्स का पहला स्टेप क्या होता था इंटरचेंज करो y इक्वल टू x है ना इंटरचेंज करोगे x इक्वल टू y होगा फिर मैंने बोला था y के लिए सॉल्व करो तो y के लिए सॉल्व करोगे y की इक्वल टू x होगा y इक्वल टू x का y इक्वल टू x ही होता है तो भाई मिसबा और तूबा आप लोग दोनों में मामला टाई हो गया कि दोनों से अगर अलग अलग सवाल पूछूं जो अच्छा जवाब दे देगा वो दे देगा इस तरह हो सकता है एक सेकंड मुझे बनाने दो मेरे पास है नहीं इस टाइप का सवाल तो सबसे पहले तो वो आपसे सवाल है दोनों के तकरीबन लेवल सेम ही है तो वो आपसे सवाल है ऑन करो माइक्रोफोन ओके सवाल ये कि मुझे बताओ कि रूल कब यूज होता है किस तरीके से यूज होता है सर क्या चीज चेन रूल ओके सर कॉम्पोजिट फंक्शंस जब गिवन होता है फंक्शन इनटू फंक्शन तो फिर हम लोग यूज करते हैं और किस तरह यूज करते हैं सर पहले बाहर वाले का फंक्शन को डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद फिर हम लोग डिग इन अंदर करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है एक एक करके बिल्कुल सही बताया इसी किस्म का ये वैसे सवाल मुश्किल था यार चेन रूल का मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा क्लास में कम ही बचे थे जिनको चेन रूल का पता होगा अच्छा जवाब दिए अब दूसरा सवाल ये कि मिसबा आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल है मुझे बस ये बता दो और रिसेंटली मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किया अगर आपने देखी होगी तो आप जवाब दे दोगी सबसे पहली चीज ये जो मॉडुलस फंक्शन है किस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता मॉडुलस के सर जीरो पे एक्सीलेंट एक नंबर आपने ले लिया और अब मुझे बताओ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वजह क्या है सर
क्योंकि सर इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव शायद मोड एक्स अपॉन एक्स आता है, तो अगर इसमें जीरो माइनस वन वन पुट करेंगे तो सर जीरो पुट करेंगे तो आंसर में जीरो आ रहा है सर, वन अगर पुट करेंगे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपने डेरिवेटिव, चलो मैं आसानी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सवाल मुश्किल था, मैं आसानी ये कर रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव x अपॉन मॉड x, डेरिवेटिव मैंने बता दिया yes, लेकिन इसमें जीरो क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो इसलिए अनडिफाइन हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी तो जीरो आ रहा है, मैं और हेल्प, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन लिमिट के जरिए से आप सॉल्व नहीं कर सकते इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट के अंदर सॉल्व तो हो सकती है इंडिटरमिनेट फॉर्म, आपने की नहीं है लिमिट के अंदर, ये तो काम किया इंडिटरमिनेट के जरिए आपने सारी सॉल्व की इंडिटरमिनेट फॉर्म, यस सर तो अब मैंने आपकी इतनी हेल्प किया सवाल के अंदर कि मैंने ये भी बता दिया कि इसका डेरिवेटिव एक्स अपॉन मॉड एक्स है, जब जीरो पुट कर रहे हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है जीरो अपॉन जीरो, अब जस्ट आपको ये बताना है कि लिमिट के जरिए से आप इसको सॉल्व करके आंसर क्या निकाल सकते हो, अब ये समझ लो आपके पास सवाल है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन मॉड x, इसकी लिमिट आपको बतानी है, सवाल लिमिट में कन्वर्ट हो गया सर, x अप्रोचेस टू 0 हां इंडिटरमिनेट आ रहे, तो लिमिट किस लिए बेटा यूज करती हो फिर, इंडिटरमिनेट की लिमिट यूज होती है ना, आपको इतनी आसानी दी है कि आपका सवाल बस इतना रिड्यूस हो गया कि मुझे बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन मॉड x, ये लिमिट का सवाल है, मुझे इसका आंसर बस बता दो और मुझे बताओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब नहीं आ रहा इसका, चलो ये भी मैंने बता दिया नहीं आ रहा इसका, अब मुझे बस इतना बता दो कि क्यों नहीं आ रहा, अब इससे इजी सवाल क्या होगा सर, ओरिजिन पे स्लोप ही नहीं बनेगा, मतलब क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कोई एक वजह तो बताओ ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा, ये वजह तो नहीं है, पैरेलल टू अगर वाई होगा तो स्लोप अनडिफाइन हो जाना चाहिए, मतलब इनफिनिटी, नो सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर जीरो हो जाना चाहिए स्लोप, नहीं यार आपका इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट, सर मैं बताऊं, नहीं चलो तो मिसबा वैसे आप ऑफिशियली नहीं आपने बताया, मैं बताता हूँ फिर आप मुझे बताना, अगर मैंने गलत बोला होगा तो आप आर्गुमेंट कर सकती हैं उससे, हाँ बताओ, मैं बताऊं सर क्योंकि यहाँ जीरो पे शार्प कॉर्नर होती है ग्राफ में, हाँ ये इसकी ज्योमेट्रिकल रीजन बिल्कुल ठीक है कि शार्प कॉर्नर्स होते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं बताया था, ये दूसरी रीजन ये हो सकती थी, आप बोल सकती थी सर अगर इस लिमिट में अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के पास, लेकिन अगर मैं राइट से आ रही हूँ जीरो के पास, फॉर एग्जाम्पल जीरो से कोई बड़ा नंबर मैंने पुट किया 0.1, तो इस लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, जबकि मैं एक्स के पास अगर लेफ्ट से आ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल -0.1 पुट कर रही हूँ तो आंसर -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये दो अगर आप बात बोलती मैं मान लेता एक भी बात इसमें, दैट्स मीन मिसबा आउट, हसन तो पहली आउट, और एज यूजुअल तुबा जो है उस मुकाबले को जीत लिया, तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तुबा आपको, थैंक यू सर, अब तुबा 2000 रुपए तो जीत गई है, अब इसके आगे के क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन के सवाल सही देगी 500-500 रुपए ऐड होते जाएंगे उसके अंदर, तो बात तैयार हो आप? Yes, sir, sort of. सबसे पहला सवाल ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो किस्म के सॉल्यूशन आते हैं, कि नाम पता है आपको, सवाल ये नहीं अभी सिर्फ नाम पूछा मैंने, हाँ Sir, is it linear or non-linear something? नहीं, वो तो types होती है, वो तो चक्कर ही नहीं है, ये आपने निकाले भी हैं 6.11 में, इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता, लेकिन नाम इनके बड़े मशहूर है, ये नहीं कि मैंने नाम रखे हैं, बहुत मशहूर दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये सवाल ही नहीं है, असल सवाल तो और था, लेकिन इनके नाम पहले बताओ फिर मैं आगे चलूंगा, मुझे नाम नहीं आते, चलो कोई मसला नहीं है, चलो 2000 तक की बात हम रखते हैं, मैं बता देता हूँ,
अगर इसके आगे चलो देख लेते हैं, ये सवाल खत्म करते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो 2500 हो जाएंगे आपके, फिर मैं मजीद और नहीं पूछूंगा क्योंकि टेक्निकल तौर पे आपने जवाब दिया नहीं है। स्टिल मैं एक चीज बता देता हूँ कि दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। आपको डिफरेंस पता है इसके दरमियान? सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन शायद एक पॉइंट पे होता है स्पेसिफिक टू सम सर्टेन पॉइंट, आई डोंट नो। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? आई थिंक सी तक रहता है वो। सी तक तो बिल्कुल सही बताया आपने। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अच्छा अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन सी के साथ आ रहा है तो फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मुझे निकालने का प्रोसेस बता दो। सर एक दफा फिर से रिपीट करें आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बताया जनरल सॉल्यूशन में तो सी आता है, आप कहने के मुताबिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी नहीं आता होगा, फिर तो आप सी कैसे एलिमिनेट करते हो, मतलब कैसे सी हट जाता है पर्टिकुलर? सर आई थिंक पॉइंट गिवन होता है, उसको हम लोग पुट इन करते हैं एक्स और वाई में और फिर उससे हम लोग सी निकाल लेते हैं, तो फिर देन सी की जगह उसकी वैल्यू होती है। एक्सीलेंट,